कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको डाउट हुआ और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया ही नहीं, बट बाद में जब आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हो तो आपको फील होता है, अरे यार मुझे जो लग रहा था वो तो सही था, मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना चाहिए था। अगर आपका जवाब भी हाँ है तो वेलकम टू द ग्रुप। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा उतना नहीं होता, उन्हें आंसर आता भी है फिर भी वो अटेम्प्ट नहीं करते ये सोच के कहीं गलत ना हो जाए। मैं आपको बता दूं, मैं भी थोड़ा उसी टाइप का आदमी था। मुझे आंसर आते हुए मुझे लगता था कि नहीं शायद ये गलत है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को मार्क नहीं करता था। फिर बाद में मैं जब सॉल्यूशन देखता था तो मुझे पता चलता था, अरे इसका आंसर तो वही है जो मुझे लग रहा था। तो मैंने इसको कैसे टैकल किया, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने इस सेल्फ डाउट को कैसे दूर किया और आप भी कैसे दूर कर सकते हो, और आपको एग्जाम में गेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो बिना किसी देरी का वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं कि आपको पहले क्या करना चाहिए फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। आप जब भी कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो या कोई भी क्वेश्चन मॉड्यूल सॉल्व करते हो तब आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप किसी दो ऑप्शन के बीच कंफ्यूज हो, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये उसी क्वेश्चन पे काम करेगा जो क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा आइडिया है। यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी उस पर काम नहीं करेगा। तो मान लेते हैं आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको किसी दो ऑप्शन में डाउट है, ये आपको मॉड्यूल सॉल्व करने के टाइम भी हो सकता है और ये आपको मॉक पेपर देने के टाइम भी हो सकता है। तो आप क्या करो, आप कोई एक मार्क कर दो, किसी दो ऑप्शन डाउट है तो आप कोई एक मार्क कर दो, और ऐसा करके आप जितने आंसर को मार्क करते हो, जैसे आपने माले 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, उस 20 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन में ऐसा लगा कि हाँ मुझे इसको डाउट है दो ऑप्शन में और आपने मार्क किए, ठीक। और मान लेते हैं ये तो होगा मॉड्यूल सॉल्व करने का। अब मान लेते हैं आप कोई मॉक पेपर दे रहे हो, जब आप कोई मॉक पेपर दे रहे हो तो मॉक पेपर मानो 200 क्वेश्चन है, मान लेते हैं वो 200 क्वेश्चन उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन में आपको डाउट था किसी दो ऑप्शन में, ठीक। वो जो 30-40 क्वेश्चन थे जिसमें आपने गेस किया था तो उसमें आप ये देखो कि कितने सही हुए, ठीक। वो सारे क्वेश्चंस को आपने अपने गट फीलिंग से सॉल्व किया था, तो आप ये देखो लास्ट में चेक करो कि उस 30 और 40 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके सही लगे, और ये देखो कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए। हम सबको पता है कि नीट क्रैक करना इजी नहीं है, क्योंकि हर साल नीट में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए आपको पढ़ना है फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और एक बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ। तो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का प्रिपरेशन शुरू करना है आज से और अभी से। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गुड स्ट्रैटेजिकल शेड्यूल और अपने टारगेट पे पूरा फोकस। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स वाला लेकर आया है 11th क्लास बैच के लिए अर्जुन नीट 2024 बैच, जो कि आपको सिर्फ 4500 में मिल रहा है, और 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है लक्ष्य नीट 2024 बैच, जो कि आपको 4500 में मिल रहा है, और यकीन ड्रॉपर नीट 2024 बैच जो कि आपको 4600 में मिल रहा है। और हाँ एक और बात, अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप ले सकते हैं सारथी की मदद, जो आपके डाउट को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो फिजिक्स वाला के कोर्सेज को परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए PW लिंक पे क्लिक करें, और कोर्स परचेज करने के टाइम आप मेरा कूपन कोड NIL150 का यूज करें, जिससे आपको 150 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। आप उन्हीं क्वेश्चन को ये मार्क करना कि जो क्वेश्चन आप छोड़ना चाहते थे कि हाँ मैं छोड़ देता हूँ, और उस क्वेश्चन को फिर भी आपने मार्क किया, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क करना है। उस क्वेश्चन को मार्क नहीं करना है कि आप पूरा श्योर थे उस ऑप्शन के लिए बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो उसको भी आप मार्क कर दिए, नहीं ऐसा नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये पूरा ही डाउट है, आप छोड़ना चाहते हो फिर भी आपने उसे सॉल्व किया, उस क्वेश्चन को आपको मार्क करना। तो चलो मान लेते हैं 200 क्वेश्चन में आपने 40 क्वेश्चन ऐसे मार्क किए जिसमें आपको डाउट था, जो आप अदरवाइज छोड़ देते बट फिर भी आपने उसको मार्क किया। अब आप कैलकुलेट कर लो 40 क्वेश्चन को जो ऐसे आप छोड़ देते फिर भी आपने उसको सॉल्व किया, तो आप देखते हैं कि आप कितना एडवांटेज में हो। अगर आप वो 40 क्वेश्चन छोड़ देते तो 40 का मन मिलता आपको 0 मार्क्स। हम सब जानते हैं नीट के एग्जाम में हर रॉन्ग आंसर पे माइनस 1 लगता है। तो हम अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं कि 40 क्वेश्चन में मान लेते आपके 20 सही हुए और 20 गलत हुए। अगर आपके 20 सही होते हैं तो आपको मिलता है +80, और 20 गलत हुए तो होता है -20, यानी आपको +60 मार्क्स है, यानी आप एक्स्ट्रा में हो। जो अगर आप वो 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो अगर आपको 0 मार्क्स मिलता, फिर भी अगर 40 क्वेश्चन सॉल्व आपने किया तो आपको +60 मार्क्स मिल रहा है। देखिए गेसिंग, एजुकेटेड गेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेस करना उस क्वेश्चन में गलत है जो क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन में कोई आइडिया ना हो। और अगर आप मान लेते हैं कि आपका सिर्फ 10 क्वेश्चन सही हुआ और आपके 30 क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर भी 4×10=40 -30, आप 10 मार्क्स प्लस पे हो। ये मैं आपको एक 40 क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये 20 क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप 10 क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? मान लेते आपको 5 सही गया, 35 गलत हो गया, यानी 5×4=20 -30, आप -15 के लॉस में हो, तो आपको बिल्कुल नहीं गेस करना चाहिए। अभी भी इतना टाइम है, आप खुद पे वर्क कर सकते हो कि आपको गेस करना चाहिए या नहीं। मेरे पर्सनली फिजिक्स में नीट 2020 के फिजिक्स में मेरे 162 मार्क्स आए थे, मेरे 4-5 क्वेश्चन तुक्का मेरे सही चला गया था, इसलिए मेरे फिजिक्स में 162 मार्क्स आ गए, लेकिन वो एजुकेटेड गेस था, मुझे दो ऑप्शन में डाउट था, मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन छोड़ा था नीट के एग्जाम में, फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 2 और बायो में 2।
मैं ये हमेशा स्ट्रेटेजी अप्लाई करता था कि मैं देखता था लास्ट में कि मेरे कितने गेसेस सही हुए, मेरे कितने गेसेस गलत हुए, मुझे पॉजिटिव मार्क्स मिल रहा है या नहीं। बस मैं ये कोशिश करता था कि मैं नेगेटिव में ना जाऊं। देखिए, नेगेटिव मार्क्स से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, नेगेटिव मार्क्स होंगे ही, बट उस नेगेटिव के चलते आपको अपना पॉजिटिव मार्क्स को नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको पता चल गया होगा कि आपको गेस करना चाहिए या नहीं, और आपको गेस करना भी चाहिए तो उसको कैसे अभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपका गेस सही जाए। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।